हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेज। आज हम इस डिफरेंशियल कैलकुलस का लास्ट चैप्टर प्रश्नावली 6.5 मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ ए फंक्शन का सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि मिनिमा एंड मैक्सिमा ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, यानी कि किसी फलन का उच्चतम और न्यूनतम मान हम कैसे निकालेंगे। तो एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। एग्जाम्पल पहला लेते हैं, वाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ जो होता है इस प्रकार से होता है, यू आकृति होता है। तो यदि इस के पहले हम दिए हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इस प्रकार से खिंचाएगा, यहाँ एक्स बराबर ज़ीरो है, और इसके बाद हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो इस प्रकार से खिंचाएगा। इस स्पर्श रेखा का स्लोप जो होगा जीरो से छोटा, और इस स्पर्श रेखा का स्लोप जो होगा जीरो से बड़ा। यानी कहता है कि जब किसी बिंदु के पहले स्लोप का मान नेगेटिव हो और उस बिंदु के बाद स्लोप का मान पॉजिटिव हो जाए तो एफ का मान मिनिमम होता है। इस बिंदु के पहले का स्लोप जीरो से छोटा, इस बिंदु के बाद का स्लोप जीरो से बड़ा, तो यहाँ एफ जो होगा ये मिनिमम होगा। और इसका मतलब कह सकते हैं हम कि एक्स बराबर ज़ीरो पर एफ मिनिमम होगा, यानी कि न्यूनतम होगा। तो यहाँ एफ मीन क्या होगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ ज़ीरो, ये हो जाएगा ज़ीरो का स्क्वायर यानी ज़ीरो। तो ये पॉइंट को याद रखना है। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर टू, y बराबर एफ एक्स बराबर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ जो होगा यू आकृति होगा लेकिन नीचे की ओर होगा, यहाँ भी x बराबर ज़ीरो, इसके बाद यदि स्पर्श रेखा खींचते हैं हम और इधर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, इस स्पर्श रेखा का स्लोप जो होगा जीरो से बड़ा और इस स्पर्श रेखा के स्लोप का मान जो होगा जीरो से छोटा। तब लिखते हैं जब किसी बिंदु के पहले स्लोप का मान पॉजिटिव हो यानी धनात्मक हो तथा उस बिंदु के बाद स्लोप का मान नेगेटिव हो जाए तो उस बिंदु पर एफ मैक्सिमम होता है, यानी कि उच्चतम होता है। तो यहाँ एक्स बराबर ज़ीरो पर एफ मैक्स होगा, और वह क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ज़ीरो बराबर माइनस ज़ीरो का वर्ग यानी कि ज़ीरो। ये तो था हमारा कि कब फंक्शन न्यूनतम होगा और कब फलन उच्चतम होगा, उसके लिए थोड़ा सा कंसेप्ट। अब देखिए, तीसरा पॉइंट सबसे ज़रूरी इसमें जानना है कि मान लिया जाए यहाँ पर ये कोई फंक्शन लेते हैं इस प्रकार से, ये x बराबर a होगा और ये x बराबर b होगा, तो इसमें बहुत सारा बिंदु होगा, इसके बीच में x बराबर c होगा, x बराबर d होगा,
एक्स बराबर ई होगा। तो यहाँ पर क्या है कि ए और बी के बीच में एक से अधिक लोकल मिनिमम या लोकल मैक्सिमा हो। लोकल का मतलब होता है स्थानीय, यानी स्थानीय न्यूनतम होगा या स्थानीय उच्चतम होगा। तो ये सब पॉइंट को याद रखना है, और जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर स्लोप का मान जीरो होता है, स्लोप का मान शून्य होता है, उस बिंदु को क्रांतिक बिंदु कहते हैं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाएगा। जैसे कि हमारा जो है प्रश्नावली 6.5 जो है, इसमें पहला क्वेश्चन है फलनों का उच्चतम और न्यूनतम मान निकालें। पहला क्वेश्चन जो है कहता है फलनों का न्यूनतम और उच्चतम मान निकालें। पहला दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 2x-1 का होल स्क्वायर और +3। इस तरह का फंक्शन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डीसी निकालेंगे। ये हो जाएगा 2 × 2x-1 × 2 और ये 0। ये हो जाएगा 4 × 2x-1, यानी होगा 4 × 8x-4। अब क्या करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव्स यानी एफ डैश एक्स को 0 के बराबर कर देते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, ये 8x-4 = 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर हो जाएगा हमारा 4/8 यानी 1/2। इसी को हम कहते हैं क्रांतिक बिंदु, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव्स को 0 कर हम क्रांतिक बिंदु पहले निकाल लेंगे। और क्रांतिक बिंदु एक से अधिक हो सकता है या एक ही बिंदु हो सकता है या अनगिनत बिंदु हो सकता है। अब इसके बाद में हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव्स निकालेंगे। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा d8x-4 अब बाय dx, यहाँ जाएगा 8 × dx/dx और ये हो जाएगा 0, यानी 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जिस जो क्रांतिक बिंदु का मान आया है यहाँ पर पुट करेंगे x = 1/2, यानी f" यहाँ 1/2। यहाँ चूँकि रिजल्ट में x का पद नहीं है तो यहाँ कुछ भी पुट करेंगे तो 8 ही आएगा। अब सेकेंड डेरिवेटिव्स का मान यदि 0 से बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर f जो होगा यह न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा, है ना। कहाँ पर भाई, तो x = 1/2 पर। और यहाँ पे f मीन जो होगा वो जगह f(½) पर। तो यहाँ पर रखेंगे हाफ तो हो जाएगा 2 × 1/2 - 1 का होल स्क्वायर +3। ये 2 कट गया, ये हो गया है ना, ये हो गया हमारा 1 − 1² + 3 यानी कि 3। यानी f मीन जो हो जाएगा हमारा 3, यानी कि इसका न्यूनतम मान जो होगा हमारा 3 हो जाएगा। और इसका मैक्सिमम यानी इसका उच्चतम मान कभी नहीं हो सकता। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3, दो भी इसी प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3।
एफ एक्स बराबर जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस दस। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव्स निकाल लेंगे, ये हो जाएगा माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन, और ये तो हो जाएगा ज़ीरो। अब फर्स्ट डेरिवेटिव्स को ज़ीरो कर देंगे, ये हो जाएगा माइनस दो गुने एक्स माइनस वन बराबर ज़ीरो, या तो हो जाएगा एक्स माइनस वन बराबर ज़ीरो, या तो हो जाएगा एक्स बराबर। यही क्रांतिक बिंदु निकल गए हमारा। इस क्रांतिक बिंदु पर से ही स्लोप का मान पॉजिटिव से निगेटिव होता है या निगेटिव से पॉजिटिव होता है। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे, ये हो जाएगा माइनस टू इंटू डी एक्स बटा डी एक्स, माइनस हो जाएगा डी वन बटा डी एक्स, ये कट गया, ये हो जाएगा माइनस दो। अब हम क्या करेंगे, इस क्रांतिक बिंदु का मान यहाँ रख देंगे एक्स बराबर वन, यहाँ माइनस टू ही आएगा, चूँकि रिजल्ट में एक्स का पद नहीं है जो कि जीरो से छोटा है, इसलिए यहाँ एक्स बराबर वन पर एफ जो होगा ये उच्चतम होगा, इसलिए एफ मैक्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा एफ ऑफ वन, यानी हो जाएगा एक माइनस एक का वर्ग प्लस हो जाएगा दस, यानी हो जाएगा दस। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला इसी प्रकार से बनाना है। अब आइए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में भी उच्चतम और न्यूनतम मान निकालना है। दूसरा का पहला y बराबर जो है एफ एक्स बराबर जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x प्लस टू का मॉडुलस और माइनस वन। तो हमें पता है कि जिस फंक्शन में मॉडुलस लगा होता है, जिस फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा होता है, उसका हम डेरिवेटिव्स नहीं निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमको इसका ग्राफ का प्रयोग करना होगा। तो इसका ग्राफ यदि हम खींचेंगे तो आप स्टेपिंग बाय स्टेपिंग खींच सकते हैं। तो पहले y बराबर मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ बना लीजिएगा। ये हमारा इस प्रकार से होता है v आकृति, इसका शीर्ष बिंदु होता है 0, 0, और अपना अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0। और यहाँ y बराबर मॉडुलस ऑफ x प्लस टू का बनाइएगा, तो इसका वर्टेक्स जो है जितना प्लस रहेगा इधर भागेगा, इधर साइड माइनस वन, और ये माइनस टू, अक्ष भी इधर आ जाएगा x बराबर माइनस टू, और यहाँ इस तरह से भागेगा। और इसके बाद तब हम फाइनल ग्राफ बना सकते हैं y बराबर मॉडुलस ऑफ x प्लस टू और माइनस वन का। तो इस प्रकार से यहाँ हो गया माइनस वन, ये हो गया माइनस टू, ये हमारा अक्ष तो वही रहेगा, x बराबर माइनस टू ही रहेगा, और जितना माइनस है उतना इसका शीर्ष बिंदु एक यूनिट और नीचे जाएगा, यानी यहाँ माइनस वन। इसका शीर्ष बिंदु जो होगा ये हो जाएगा माइनस दो और माइनस वन, इस प्रकार से होगा। यही फाइनल इसका ग्राफ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम में जब भी बनाइएगा तो फाइनल ग्राफ ही सही ड्रॉ करके बनाइएगा। यहाँ हम स्टेप से ग्राफ बता दिए हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, इस फाइनल ग्राफ में है ना एक्स बराबर माइनस दो पर क्या भाई, तो x बराबर माइनस दो के पहले, दो के पहले है ना, इसका स्लोप इस वे में जो लाइन होता है हमेशा इसका नेगेटिव होता है, और इस वे में जो लाइन होता है उसका स्लोप का मान पॉजिटिव होता है। पहले है ना स्लोप का मान क्या है जी, तो ऋणात्मक है, और x बराबर माइनस दो के बाद स्लोप का मान जो है वो हमारा धनात्मक है। तो इस चैप्टर के शुरू में जो थ्योरी बताए थे कि जब स्लोप का मान निगेटिव से पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर एफ जो हो जाएगा वह मीन हो जाएगा, न्यूनतम होगा, किस पर भाई, तो एक्स बराबर माइनस दो पर। यानी कि यहाँ पर हम यदि एफ मीन निकालेंगे, यह हो जाएगा एफ ऑफ माइनस टू बराबर, इसमें रख देंगे हम, ये जाएगा माइनस टू प्लस टू, और ये माइनस वन, ये कट जाएगा नहीं, माइनस वन हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो
इस प्रकार से हम क्वेश्चन का सोल्यूशन, जब भी कोई हमारा मॉडलस लगा हुआ क्वेश्चन मिलेगा तो हम ग्राफिकली और इस चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट के हिसाब से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर दूसरा, दो का दूसरा। यह y बराबर एफ एक्स बराबर जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है माइनस एक्स प्लस वन और प्लस थ्री, तो इसका ग्राफ भी बनाना चाहिएगा। तो स्टेपिंग बाय स्टेप बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में सिर्फ फाइनल एग्जाम फाइनल ग्राफ ही बनाना है। तो यदि स्टेप पहला में यदि इस ग्राफ को बनाइएगा तो y बराबर मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ ये हो जाएगा भी आकृति, और इसका शीर्ष बिंदु 0 0, अपना x का अक्ष का समीकरण 0, चूँकि यहाँ प्लस है इसलिए इसका मुँह ऊपर की ओर खुला हुआ है। और स्टेप सेकेंड में जो है y बराबर मॉडुलस ऑफ x प्लस वन का बनाएंगे, जो है ना इसका सिर्फ अक्ष एक यूनिट बाया चलाएगा और इसका शीर्ष बिंदु हो जाएगा माइनस वन और ज़ीरो। और उसके बाद क्या है ना स्टेप थ्री में इसमें आगे माइनस लगा देंगे, तो यहाँ एक्स अक्ष को कहाँ काटेगा, वाई अक्ष को कहाँ काटेगा, तो वाई बराबर जीरो पुट कर दीजिएगा, है ना, एक्स बराबर जीरो पुट कीजिएगा तो वाई को वन पे काटेगा, ठीक है। जस्ट इसका ग्राफ उलट जाएगा, अक्ष वही रहेगा एक्स बराबर माइनस वन का ही, है ना, ये हमारा इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि ये काटेगा हमारा जीरो और माइनस वन पर, इसका शीर्ष बिंदु वही रह जाएगा माइनस वन और ज़ीरो। अब स्टेप फोर, स्टेप फोर में इसका फाइनल ग्राफ तैयार हो जाएगा क्या भाई, तो इस प्रकार से ये हो गया माइनस वन और ये हो गया माइनस टू, अक्ष हमारा यही रहेगा एक्स बराबर माइनस वन का ही अक्ष रहेगा, एक्स ओ एक्स डैश ये बाई ओ बाई डैश। अब प्लस तीन है तो इसका शीर्ष बिंदु जो यहाँ से तीन यूनिट ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ था तो पहले एक यूनिट यहाँ गया, दो यूनिट यहाँ गया और तीन यूनिट यहाँ चल जाएगा। और लेकिन शीर्ष बिंदु तीन यूनिट ऊपर चल जाएगा ना, यहाँ चल जाएगा, यहाँ पर इस प्रकार से होगा और ये हमारा इस प्रकार से जाएगा, फाइनल ग्राफ हमारा यही हो जाएगा। तो यहाँ भी है ना, जहाँ भी वी आकृति आता है कोई भी ग्राफ का, तो वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, उसका डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर x बराबर माइनस वन के पहले है ना, इसके इधर स्लोप का मान क्या होता है, इस वे में स्लोप का मान पॉजिटिव होता है और इस वे में स्लोप का मान नेगेटिव होता है, के पहले स्लोप स्लोप का मान हमारा क्या है, ये शून्य से बड़ा है, और x बराबर माइनस वन के बाद है ना स्लोप का मान जो है वो हमारा शून्य से छोटा है। और हम कंसेप्ट में बता चुके हैं कि इस किसी बिंदु के पहले का स्लोप पॉजिटिव हो और उसके बाद नेगेटिव हो तो उस पर एफ जो होता है वह मैक्सिमम होता है। यानी कि हम यहाँ पर एफ मैक्स निकालेंगे, ये हो जाएगा एफ ऑफ माइनस वन, है ना, और यहाँ पे रख देंगे हम, ये माइनस हो जाएगा माइनस वन प्लस वन, ये प्लस थ्री हो जाएगा, तो ये दोनों तो कट गया, यानी एफ मैक्स हो जाएगा तीन हो जाएगा। इस प्रकार से हम ग्राफ का कंसेप्ट लगा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर जो भी है जो ग्राफ से बनता है उसे ग्राफ से बनाना है, नहीं तो फिर जो भरवली है कि किसी फंक्शन का मिनिमम या उच्चतम निकालना हो तो पहले फर्स्ट डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कीजिए, उससे क्रांतिक बिंदु के निकालिए, फिर उसी को फर्दर सेकंड डेरिवेटिव निकाल के और क्रांतिक बिंदु का मान रख करके देखते हैं कि सेकेंड डेरिवेटिव का मान
जिस पर निगेटिव होगा है ना उस पर एफ मैक्सिमम हो जाएगा और जिस पर नहीं नहीं सॉरी थोड़ा सा देखना पड़ेगा है ना, ये सब कंसेप्ट थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि जिस पर सेकेंड डेरिवेटिव का मान पॉजिटिव होगा उस पर एफ मिनिमम हो जाएगा और जिस पर सेकेंड डेरिवेटिव का मान जीरो से छोटा होगा उस पर मैक्सिमम हो जाएगा। अब चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा निकालना है। तो ये जब भी दिया रहेगा तो किसी अंतराल में ही दिया रहेगा या नहीं भी दिया रहेगा तो हम हल कर सकते हैं। जैसे 2-3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन fx बराबर जो है हमारा दिया हुआ है x³ - 3x। तो हमारा यही काम है, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो कर दीजिए। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो हो जाएगा 3x² - 3 = 0, ये हो जाएगा 3 कॉमन कर लीजिए x² - 1 = 0 और यहाँ हो जाएगा x - 1 × x + 1 = 0। यहाँ से दो वैल्यू आएगा, ये इससे आएगा x = 1 और इससे आ जाएगा x = -1, यानी कि दो यहाँ पे क्रांतिक बिंदु निकल गए, क्रिटिकल पॉइंट। अब हम क्या करेंगे कि इसका सेकेंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव का मान आया है हमारा 3x² - 3 और इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो हो जाएगा, इसका डीसी करेंगे तो हो जाएगा 6x - 0। अब हम क्या करेंगे कि बारी बारी से मान रखते हैं, x बराबर पहले -1 रखेंगे, f " -1 जो होगा 6 × -1 - 6 यानी 0 से छोटा हो गया, इसलिए f जो होगा x - 1 पर है ना, ये क्या हो जाएगा उच्चतम हो जाएगा, यानी कि f मैक्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा f(-1) यानी -1 / 3 और -3 × -1, तो ये हो जाएगा कितना -1 + 3, ये हो जाएगा 2। लेकिन है ना जब हम x = 1 रखेंगे 1 पर है ना, f" (x = 6x) यहाँ f" (1) x का मान 1 रखेंगे, 6 × 1 यानी 6, ये हमारा 0 से बड़ा आ गया, इसलिए x = 1 पर f न्यूनतम होगी, यानी f मीन जो हो जाएगा ये हो जाएगा f(1) यानी 1 / 3 -3 × 1 यानी हो जाएगा 1 - 3 और 1 - 3, ये हमारा आंसर होगा। तो हमारा न्यूनतम मान निकालना हो किसी फलन का या उच्चतम मान निकालना हो या फिर लोकल मैक्सिमा यानी कि स्थानीय उच्चतम और लोकल मिनिमा यानी कि स्थानीय न्यूनतम, सब वो दोनों के लिए एक ही तरह का मेथड है। इस तरह से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। जैसे कि हमारा जो है क्वेश्चन नंबर तीन का तीसरा देख लिया, 3 का 3 y = fx जो है sin x + cos x है कब भाई, हमारा अंतराल दिया हुआ है 0 से π/2 के बीच में है ना, इसी के बीच में निकालना है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालिए, कि साइन का डीसी हो जाएगा cos, cos का हो जाएगा -sin x। तो पहले f(x) को 0 कर दीजिए, यानी कि cos x - sin x = 0, या तो हो जाएगा ये cos x = sin x है ना, और ये हो जाएगा दोनों तरफ से cos से भाग दे दीजिए, cos x / cos x कर दीजिए, तो ये हो जाएगा tan x = 1, ये हो जाएगा tan π/4 यानी x = π/4, यही हमारा क्रांतिक बिंदु निकल गया। चूँकि हमको 0 से 90 के बीच में ही निकालना है तो एक ही वैल्यू होगा। अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव्स निकालते हैं f" (x), ये cos का हो जाएगा -sin x और ये sin का हो जाएगा cos x
अब हम क्रांतिक बिंदु का मान रखते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन पाई बाई फोर, अब माइनस हो जाएगा कॉस पाई बटा फोर, यानी कि ये हो जाएगा माइनस वन बाई रूट टू, ये माइनस वन बाई रूट टू, माइनस टू बाई रूट टू, यानी कि माइनस रूट टू, जो कि हमारा जीरो से छोटा है। तो जब सेकेंड डेरिवेटिव का मान जीरो से छोटा हो जाता है तो उस बिंदु पर एफ उच्चतम हो जाता है, इसलिए x बराबर हमारा पाई बटा फोर पर f जो होगा उच्चतम होगा, है ना, यानी कि f पाई बटा फोर रखेंगे यहाँ पर तो जाएगा साइन पाई बटा फोर प्लस हो जाएगा कॉस पाई बटा फोर, यानी कि हो जाएगा ये वन बाई रूट टू और प्लस हो जाएगा वन बाई रूट टू, यानी कि हो जाएगा टू बाई रूट टू, ये हो जाएगा रूट टू, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सिर्फ एक ही लोकल मैक्सिमा निकला। इसी प्रकार से हमको क्वेश्चन नंबर चौथा बन गया। अब क्वेश्चन नंबर हम बना लेते हैं छठा, तीन का छठा, अच्छा क्वेश्चन बुझा रहा। क्वेश्चन नंबर तीन का छठा है ना, जी एक्स बराबर जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारा एक्स बाई टू और प्लस टू बाई एक्स, तो इसको भी क्या करना है, लोकल मिनिमा या मैक्सिमा के लिए, मिनिमा या लोकल मैक्सिमा के लिए, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव्स को ज़ीरो कर दीजिए, यानी कि इसका डीसी जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा, इसका हो जाएगा एक्स बाई टू का वन बाई हाफ और ये हो जाएगा टू इंटू एक बटा एक्स स्क्वायर, इसका हो जाएगा माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर। अब ये हो जाएगा वन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर अब बटा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले इसको ज़ीरो करेंगे, इसको ज़ीरो कीजिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर फोर, यानी एक्स बराबर रूट फोर, यानी प्लस माइनस दो, यानी कि यहाँ पर ये क्रांतिक बिंदु निकल गया, क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव्स करोगे, इसका सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो सम रूल लगेगा, हाफ का हो जाएगा ज़ीरो और वन बटा एक्स स्क्वायर का हो जाएगा माइनस दो बटा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा फोर अब बटा हो जाएगा एक्स क्यूब। अब बारी बारी से हम मान रखेंगे, यदि एक्स बराबर माइनस टू रखेंगे तो जी डबल डैस माइनस टू हो जाएगा चार बटा माइनस दो पे घात तीन, यानी चार बटा माइनस आठ, ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू जो कि जीरो से छोटा है, इसलिए एक्स बराबर माइनस दो पर जी जो हो जाएगा वो उच्चतम होगा। और यहाँ पे निकाल सकते हो आप, है ना, कि जी मैक्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा जी ऑफ माइनस टू, यानी कि हो जाएगा माइनस टू और बटा टू और ये हो जाएगा प्लस दो बटा माइनस टू, कट के माइनस वन माइनस वन माइनस टू, जी मैक्स निकल गया। अब यहाँ पे एक्स पर रख दो दो तो जी डैश डबल टू बराबर हो जाएगा चार बटा दो पे घात तीन, ये हो जाएगा चार बटा आठ, यानी एक बटा दो, ये जीरो से बड़ा हो गया इसलिए एक्स बराबर दो पर जी न्यूनतम हो, यानी कि यहाँ पर जी मीन जो हो जाएगा ये हमारा जी ऑफ टू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा दो बटा दो और प्लस हो जाएगा दो बटा दो, यह दो आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं चार पर, कि सब एक ही तरह से बनेगा, एक ही कंसेप्ट है, न्यूनतम उच्चतम ये लोकल मिनिमम लोकल मिनिमम मैक्सिमा के लिए। जैसे है चार का पहला, है ना, चार का पहला है
वाई बराबर ई टू दी पावर एक्स, ठीक। अब हम क्या करेंगे, या तो इसको ग्राफ से बना लो, है ना। ग्राफ यदि इसका देखते हैं हम, तो इसका इस तरह से ग्राफ होता है, या ज़ीरो पर हो जाएगा वन। तो इस लाइन पर कहीं भी स्लोप यानी स्पर्श रेखा खींचिएगा तो स्लोप का मान ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी इसमें स्लोप का मान परिवर्तन नहीं होता है, ना तो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है ना तो पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। तो यह इसका जो है ना ही यहाँ पर क्या है कि स्लोप का मान में परिवर्तन नहीं होता, मान में परिवर्तन नहीं होता है। जब स्लोप का मान में परिवर्तन नहीं होगा तो ना तो मैक्सिमा होगा और ना ही मिनिमा होगा। इस तरह से हम कर सकते हैं, चाहे आपका सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चार का दूसरा है, वाई बराबर एफ एक्स बराबर है लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का ग्राफ भी इसी प्रकार से देखिए, यहाँ हो जाएगा वन और ज़ीरो, कहीं भी इसका स्पर्श रेखा खींचोगे आप, ये है स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा का यहाँ ढाल जो हो जाएगा ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी कि स्लोप का मान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी ना तो स्लोप का मान निगेटिव से पॉजिटिव होता है और ना ही स्लोप का मान पॉजिटिव से निगेटिव होता है। इसलिए एफ का न तो मिनिमा होगा न ही मैक्सिमा होगा, स्लोप का मान परिवर्तन होना चाहिए। वो कैसे होना चाहिए, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हो या पॉजिटिव से नेगेटिव हो। तो इस तरह का क्वेश्चन में हम इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव जान सकते हैं, लेकिन चार का तीसरा जो है इस प्रकार